हम एक दूसरे से काफ़ी प्रेम करते हैं, हमारी शादी अभी नहीं हुई है और आपकी कथा सुनकर हम दोनों की इच्छा संन्यास लेने की होती है, तो हमें संन्यास अभी लेना चाहिए या गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए? कृपा कर मार्गदर्शन करें। कि पहले लोग संन्यास ले लेते थे, घर में सब कुछ था और कितने ऐसे ऐसे पूजा श्री राधे बाबा हैं, गौतम बुद्ध हैं, बट वो बहुत तीव्र, उनका एकदम जैसे उनको कोई किसी में इंटरेस्ट है, वो बहुत ज्यादा आग लगी होती है, तो उस केस में तो फिर अगर तो वो बात है तो वो राउट में जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं, कई बार ऐसा होता है कि संसार को भोग लेने के बाद दृढ़ वैराग्य आ जाता है। सबको तो नहीं, बट देखिए मैं कहना चाहूंगा प्रबल संस्कार तो डेफिनेटली है पिछले बहुत अच्छा ये, क्योंकि ये प्रश्न कईयों के हो सकते हैं, कई ऐसे पति पत्नी भी हैं। सही बात है। तो इसका है कि देखो, यदि संसार के भोग की प्रबल कामना है ना, तो ये भोगने से और भड़कती है, भोगने से और भड़कती है। यदि हल्की फूल की कामना है तो भोगने से खत्म हो जाती है। सही बात, बिल्कुल सही बात। जैसे उदाहरण के रूप में, अधिक अग्नि है घी डालने से और भड़केगी, अगर कम अग्नि है घी डालते से बुझ जाएगी। अधिक अग्नि है फूक मारने से, हवा देने से भड़केगी, और कम अग्नि है हवा चलने से बुझ जाएगी। एक नियम है। तो अधिक प्रबल कामना है तो भोगने से तो और बढ़ती है, जैसे आहुति देने से अग्नि और भड़कती है। तो भोगी किस्म के जो लोग, अतिशय भोगी प्रकृति के जो लोग हैं, अधिक रजगुणी जो लोग हैं, वो संसार को जितना भोगेंगे उतना ही उनका और अनुराग बढ़ता चला जाएगा भोगों के प्रति। हाँ, यदि धर्म पुरुष भोगों को भोगेंगे तो बुढ़ापे में वैराग्य आ जाता है सभी को। यदि धर्म पुरुष हम संसार के भोगों को भोगेंगे तो बुढ़ापे में अपने आप ही चौथापन आते संसार से मन हट जाएगा। लेकिन अगर हल्का मन है तो हल्के मन से, यदि संसार में हल्का मन है तो भोगने से तुरंत वैराग्य होता है। सही बात, बिल्कुल। ये जो संत हैं, देखो जैसे पूज्य श्री राधे बाबा हैं, गौतम बुद्ध हैं, कितने ऐसे संत हैं जो गृहस्थ भक्तमाल में कितनी कथा है, गृहस्थ में गए। गृहस्थ में क्यों गए, ये नहीं कह सकते जबरदस्ती घर वाले ले गए, नहीं, अपना भी कुछ मन होता है। तो वहां कुछ, लेकिन वहां पूरा मन नहीं था, कुछ मन था, संसार देखा और तुरंत संसार छोड़ के भाग पड़े। कितने ऐसे हुए हैं, कई एक संतान होते निकल गए, ऐसे भी कितने भक्तमाल के चरित्र हैं। तो जिनमें संसार की चाहत कम है, ये लोग गृहस्थ में चले तो जाते हैं लेकिन निभा नहीं पाते, मन में वो अग्नि लगी रहती है। और फिर उस समय पर, बट यहाँ पे गुरुजी, उनको अपने आप को ही सेल्फ एवेल्युएशन करनी पड़ेगी कहाँ तक आग है। नहीं तो मैं तो यही कहूंगा कि दोनों गृहस्थ बन जाए। और गृहस्थ में मेरी अपनी राय है और बड़े अनुभव से, सब तरह से बहुत कुछ पढ़ा, बहुत समझा, बहुत सुना, बहुत कुछ देखा, तो सब मिलाकर के मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि आप दोनों शादी करा लें और प्रेम की जिंदगी जिए, दोनों घर में रह के दोनों भजन करें, और आपका ये वैराग्य बढ़ता गया तो दोनों संन्यास ले लें। वानप्रस्थ माने पति पत्नी रहें एक साथ, विरक्त भेष लेकर भी एक साथ रहें, संयम से। हाँ, और अपना खूब भजन करो, क्योंकि संसार के भोगों में है कुछ नहीं, ये बात सच है, लेकिन मन है, इसलिए इसको खुराक देनी पड़ती है। ये अगर नहीं मानते, इसको खुराक देनी पड़ती है, नहीं दोगे तो खुरापात करेगा। इसलिए शादी कर लेनी चाहिए, कोई दोष नहीं शादी में। कितने ऐसे गृहस्थ में रहकर के भगवत प्राप्ति की है, और फिर आपके जो जिनसे आपका प्यार चल रहा है, ये तो स्वयं भी संन्यास लेने के लिए कह रहे हो और आप भी संन्यास लेने के लिए कह रहे हो। कितना अच्छा हो कि एक बार आप संसार देख लें और उसके बाद बिल्कुल मन हटा करके और दोनों इकट्ठे रह के भजन करें भगवान का। और गुरु जी, महापुरुष भी गृहस्थों के घर में ही आते हैं, हो सकता है इसी माध्यम से कोई ऐसी विभूति आपके घर आना चाहती हो,
और उसमें शास्त्र के काफी हेल्प भी ले सकते हो, जिसमें किस तरह से संयम से करना है और सब बातें बताई, बहुत अच्छी बात है, आपने भी बताई थी। देखो सत्संग तो दुनिया सुनती है, सबके मन में वैराग्य नहीं है। और यहाँ तो प्रेम है, प्रेमी तो किसी की सुनता नहीं, ना गुरु की, ना भगवान की, ना ग्रंथ की। प्रेम ऐसा वस्तु है, अब ऐसा नहीं कि इनका प्रेम नहीं, प्रेम तो है, लेकिन दोनों का ऐसा पूर्व जन्म का संस्कार है। और है मेरे पास ऐसे, यहाँ आते हैं मेरे पास दोनों पति पत्नी, एक बार मेरे सामने और आपके सामने भी आए थे। और ज्यादा उम्र नहीं है, कितनी उम्र होगी शायद, ज्यादा 25 साल का लड़का है और कोई 23-24 साल की लड़की है। बताइए उम्र क्या है। दोनों का विवाह, लड़की भी विवाह करना नहीं चाहती थी, लड़का भी विवाह करना नहीं चाहता, लड़का संतों में रहता था, लड़की भी विवाह करना नहीं चाहती थी, लेकिन थोड़ा सा दोनों में आकर्षण हुआ, दोनों ने विवाह कर लिया। अब उनके यहाँ एक संतान भी है, वो अब दोनों विरागी हैं, दोनों मेरे पास रहना चाहते हैं, अलग अलग कमरे में रहेंगे, भजन करेंगे, दोनों की लगन पूरी है। 20 साल पहले मेरे पास आए, 20 साल से भी शायद ज़्यादा हो गया होगा, लगभग 20-21 साल पहले मेरे पास आए। और मेरे पास जब आए हो, सेवा संभालने लगे, दोनों पति पत्नी हैं, मैंने कोई संन्यास नहीं दिया, जैसे आम लोग रहते ऐसे रहो, लेकिन मुझको कई सालों के बाद उन्होंने स्वयं बताया कि जब से हम आपके पास आए तब से हम संयम के जीवन जी रहे हैं, दोनों पति पत्नी, पति पत्नी की तरह हमारे रिलेशन नहीं है, कब से, जब से हम आपके पास आए। फिर उन्होंने दोनों ने संन्यास ले लिया, दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों ने संन्यास ले लिया, यमुनगर में आश्रम में सेवा करते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप दोनों शादी करा लें और उसके बाद कुछ समय गृहस्थ अवश्य रहें, उसके बाद नियम संयम का जीवन जीते, लेकिन ये कहूंगा दोनों इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे, अच्छी बात है।